बच्चों, हम बाल गोविंद भगत चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता है ही। और बाल गोविंद भगत साधु थे, इस पाठ में ये बात भी सिद्ध की गई है, वे गृहस्थ भी थे और साधु भी थे। तो बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में बताया जा रहा है कि आषाढ़ के महीने में भी वे भजन कीर्तन करते थे, भादो में भी वे भजन कीर्तन करते थे, कार्तिक में भी वो भजन कीर्तन करते हैं, और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तब उनका भजन कीर्तन किस प्रकार से होता है। हर एक समय की उन्हें भजन कीर्तन की अलग अलग तरीके उनके बताए गए हैं। तो यहाँ पर गर्मियों में वे किस प्रकार भजन कीर्तन करते हैं ये बताया गया है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को शीतल न करती। गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्मी बनती है, तो वो किस प्रकार से भजन कीर्तन करते होंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बाल क्या करते थे बाल गोविंद भगत, वे अपने घर के आंगन में ही आसन जमा लिया करते थे। घर के अंदर जो खाली जगह होती है, आंगन होता है, आप सब जानते होंगे, तो आंगन में आसन लगा लेते और वहीं गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग जो उनका भजन कीर्तन खुश होकर के सुनते थे वहाँ आ जाते थे। गांव के उनके सभी प्रेमी वहाँ जुट जाते, प्रेमी मीन जो भजन कीर्तन करने वाले लोग थे वे आ जाते, जुट जाते मीन आज मिल आकर के इकट्ठे हो जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, घर के आंगन में खूब खंजड़ी बजती और तालियां बजती। करताल का मतलब होता है तालियां। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। सबसे पहले आपने देखा होगा गांव में जब औरतें गीत गाती हैं तो एक औरत सबसे पहले बोलती है और उसके साथ फिर सभी औरतें बोलती हैं, ऐसे ही बाल गोविंद भगत एक पद अपना जो गीत का था, भजन का था, पहले बोलते और फिर गांव के सभी लोग उनके पीछे पीछे बोलते थे, ये बात इसमें बताई गई है। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, मतलब जो लोग थे वो उन्हें दोहराते, तिहराते, फिर तीसरी बार भी गाते। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल निश्चित गति से धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता। एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, कि वे धीरे धीरे ऊंचा होते होते स्वर ऐसे झूम उठते कि बाल गोविंद भगत खंजड़ी लेकर के खड़े हो जाते और भजन कीर्तन करते करते नाचने लगते। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सभी साथ में तो नहीं खड़े हैं लेकिन ऐसा लगता है ऐसे हिलडुल रहे हैं गाना भजन कीर्तन करते समय कि जैसे सभी नाच रहे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है और घर के आंगन में क्या है, संगीत ही संगीत है, नृत्य ही नृत्य है, और बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू वहाँ देखने को मिलता है। तो बेटा ये बताया गया सब बाल गोविंद भगत के भजन कीर्तन के बारे में पहले ही लेखक ने बता दिया था कि मैं तो उनके संगीत पे, संगीत के जादू पर मुग्ध हूँ। तो ये बाल गोविंद भगत था और बाल गोविंद भगत के बारे में इसमें मैं थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बेटा, क्या था सबसे पहले बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में, कि वो थोड़े से कपड़े पहनते थे, कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे, ये किसी के खेत में सोच आदि के लिए भी नहीं बैठते थे। भजन कीर्तन की तो बात ही उनकी अलग है, जब रिमझिम हो रही है आषाढ़ मास में तो धान लगाते लगाते भी वो भजन कीर्तन करते हैं। भादो के महीने में आधी रात में बाल गोविंद भगत भजन कीर्तन करते हैं और कार्तिक से लेकर के और लंबे समय तक उनकी अर्ध ये कार्तिक के गीत चलते हैं जिनको प्रभातियां कहा जाता है, और उमस भरे मौसम में, गर्मी के मौसम में वे घर के आंगन में ही अपने आसन लगा करके सबको अपने संगीत के जादू से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। इसके बाद का जो है बेटा वो अगली वीडियो में करेंगे, तो आप तब तक इसको अच्छे से करना, इंटरनल क्वेश्चन इसके अंदर से ढेर सारे पूछे जाएंगे, उनका जरूर ध्यान रखना है। ठीक है बेटा।